नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस पूरी तरह से पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 410,461 हो गई है, और जबकि इस वायरस से अब तक 13,254 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 15,413 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 306 लोगों ने अपनी इस वायरस के कारण जान गंवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 227,756 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए और खुशी खुशी अपने घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब रिकवरी रेट 55.48% पर पहुंच गया है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,630 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 56,746 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 7,725 मरीज ठीक हुए हैं। अब कुल 31,254 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 77 मरीजों की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या अब 2,112 हो गई है। दिल्ली में अब कुल 23,340 एक्टिव मामले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।